हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग शर्मा और ऑनलाइन एजुकेशन कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार होता है कि हम ये चेक नहीं कर पाते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से अप्रूव्ड है या नहीं, और कई बार ये भी होता है कि यूनिवर्सिटी को नेक्स्ट ईयर का अप्रूवल मिला है या नहीं, या फिर यूनिवर्सिटी को किस कोर्स के लिए अप्रूवल मिला हुआ है। तो वो सब चीज़ें चेक करने के लिए कई बार होता है कि आप क्वेरी करते हैं, आप कमेंट्स करते हैं, आप देखते रहते हैं इधर उधर। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आप अभी यहाँ पर हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि DEB.UGC.AC.IN होती है। यहाँ पर मैंने ओपन किया हुआ है डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की। अगर वेबसाइट को आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ये है कि UGC, अबाउट अस, डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम, HES, उसके बाद रेगुलर अथॉरिटी, नोटिस बोर्ड, ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। और बाकी अगर हम नीचे करते हैं तो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के लिए क्या है, ऑनलाइन लर्निंग, स्टडी कॉर्नर, ये सब आपको यहाँ पर डिटेल दी गई होती है। और हमारा जो आज का टॉपिक है कि किस यूनिवर्सिटी को कैसे चेक करें कि उस यूनिवर्सिटी को अप्रूवल मिला हुआ है या नहीं। तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल सा होता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं HEIS जो है हायर स्टडीज़ के लिए है। यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ चेक कर सकते हैं कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल है, स्टेट प्राइवेट है, प्राइवेट है, डीम्ड है, तो वो सारी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर दी होती है। और अधिकतर हम होता है कि जब भी हम डिस्टेंस से करते हैं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में ज़्यादा क्वेरी होती है। तो मैं आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी का ही एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। तो हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी को सर्च कर लेते हैं। अब जब प्राइवेट यूनिवर्सिटी पे है तो उसके बाद आप किसी भी इंडिया में स्टेट से हैं तो वहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर आप चेक कर पा रहे हैं, जैसे मैं अरुणाचल प्रदेश, आसाम, चंडीगढ़, चित्तौड़गढ़, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, यहाँ पर है किस भी स्टेट में, जिस भी स्टेट में आप चाह रहे हैं देखना कि इस यूनिवर्सिटी को, कौन सी यूनिवर्सिटी है, किस स्टेट में आती है, उसको अप्रूवल है या नहीं, तो वो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं बहुत इजीली। तो चलिए, जैसे कि अभी हम अधिकतर होता है कि स्वामी विवेकानंद सुभाषी यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर हमने उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट किया तो यहाँ नंबर ऑफ जो यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश में नंबर आ रहे हैं, 4 यूनिवर्सिटी है जिसको डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो का अप्रूवल 21-22 यानी जो अब नेक्स्ट ईयर आएगा उसका अप्रूवल मिला है। तो यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, MIT है, उसके बाद जो नंबर 2 यूनिवर्सिटी है इंटीग्रल यूनिवर्सिटी है, नंबर 3 पर जो है श्री विनायका यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश की है, और उसके बाद नंबर 4 पर जो है स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी मेरठ। तो ये है जैसे कि उत्तर प्रदेश में है। इसी तरीके से आप अगर राजस्थान में चेक करना चाहते हैं तो राजस्थान में देख सकते हैं, वो भी मैं आपको एक दिखा दूंगा। अब यहाँ पर हम जाएंगे मोर डिटेल्स में। मोर डिटेल्स में जाने के बाद आपको यूनिवर्सिटी की, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी है, अब उसको मोर डिटेल में कब से कब तक का अप्रूवल है, और दूसरा उसको किस किस कोर्स के लिए अप्रूवल मिला है, तो वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। मोर डिटेल में आके हम सबसे पहले प्रोफाइल आ जाता है। प्रोफाइल में है कि यूनिवर्सिटी की बेसिक डिटेल्स होती हैं। नंबर 2 पे हम नंबर ऑफ़ कोर्सेज की ही बात करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ कोर्सेज का ही है कि यूनिवर्सिटी को कौन सा कोर्स का अप्रूवल मिला है। तो यहाँ देखिए BCom है यूनिवर्सिटी को, सुभारती यूनिवर्सिटी को जुलाई 2021 से लेकर अब जनवरी 2026 तक का अप्रूवल मिल चुका है, यानी कि अगले 5 साल का यूनिवर्सिटी को डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो का अप्रूवल है। तो अब क्या है कि आप कभी भी, अगर आपको है कि अगले 5 साल तक आप यूनिवर्सिटी में कोई भी इसी मतलब जो कोर्स करते हैं, जो यहाँ पर लिस्ट दी गई है उन कोर्सेज में, तो वो पूरी तरीके से माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। कोर्सेज में है अभी हम, जैसे कि यहाँ अगर टोटल नंबर ऑफ़ कोर्सेज की बात करें, 15 कोर्सेज है जिसके लिए इसको अप्रूवल मिला है। और इसमें जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि BSc, BCA, PGDCA, MCA, उनके अप्रूवल अब नहीं है डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो में। किसी भी यूनिवर्सिटी को अब ये कोर्सेज़ के लिए अप्रूवल नहीं मिलेगा। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी, अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं जिसमें मैंने ये सब बताया था। तो ये कोर्सेज है जो यूनिवर्सिटी को अप्रूवल मिले हैं। अगर इन कोर्सेज में से आप कोई भी कोर्स करते हैं तो वो पूरी तरीके से सरकारी जॉब में आपका पूरा वैलिड माना जाएगा। अब यहाँ पर नंबर 3 है एकेडमिक ईयर प्लानिंग। तो एकेडमिक ईयर प्लानिंग में यहाँ पर अगर यूनिवर्सिटी ने कोई चीज़ सब्जेक्ट एड ऑन करवाना हो, नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ ऐड होगा उस चीज़ के लिए, यहाँ पर उसका अपडेट होता है। जैसे कि यहाँ पर है अधिकतर जो है NA आ रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो जो कोर्सेज हैं आप ऐसे ही अपने सिस्टम पे, अपने मोबाइल पे आप चेक कर सकते हैं कि यूनिवर्सिटी को कौन कौन से कोर्सेज के लिए अप्रूवल मिला है और कौन कौन से मान्य होंगे। तो दोस्तों, ये तो था सुभारती यूनिवर्सिटी का। इसी तरीके से अगर आप कोई और देखना चाहें, जैसे कि अभी हमने उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी के बारे में बात की थी, तो उत्तर प्रदेश पे नंबर थे जो 4 यूनिवर्सिटी थी जो कि दी गया था। अब इसी तरीके से राजस्थान में जैसे देखते हैं, राजस्थान में टोटल नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटी जिसको अब अप्रूवल मिला है 7 हैं। 7 यूनिवर्सिटी में नंबर 1 पे आती है जगन्नाथ यूनिवर्सिटी, राजस्थान की है, इसको अप्रूवल मिला है।
नंबर दो पर आती है, फिर उसके बाद जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी राजस्थान, जिसके लिए आप बहुत बार क्वेरी कर चुके थे, इसको अप्रूवल मिलेगा नहीं, तो अब आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि जयपुर यूनिवर्सिटी को भी अब अप्रूवल मिल चुका है। अगर हम चाहें कि इसको कब तक का अप्रूवल मिला है और क्या क्या इसका रहेगा, तो वो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, उसी तरीके से जैसे मैंने आपको अभी सुभारती यूनिवर्सिटी के बारे में बताया था। तो नंबर ऑफ़ कोर्सेज जो है, नो नंबर ऑफ़ यूजी कोर्सेज, नंबर ऑफ़ पीजी कोर्सेज, बट अभी तक यहाँ पर उसकी लिस्ट नहीं जारी की गई है। तो जब तक वो लिस्ट नहीं आती है, तब तक उसमें कोई भी कोर्सेज़ के लिए आप एडमिशन लेंगे तो वो रिस्की होगा। और दूसरा ये है, 21-22 के लिए इसको अप्रूवल है, लेकिन जब ये लिस्ट अप्रूव हो जाएगी कि कौन कौन से यूनिवर्सिटी कोर्स करवा सकती है, तो बाद में आप उससे यूनिवर्सिटी से वो कोर्स कर सकते हैं जिसके लिए इसको अप्रूवल मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम बैक जाते हैं राजस्थान में ही, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है वो आप चेक कर सकते हैं। तो ये है राजस्थान की यूनिवर्सिटी जिसको आपको चेक कर सकते हैं, MIT यूनिवर्सिटी, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, ज्योति, ये है ज्योति विद्यानंद विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी राजस्थान, और JECRC यूनिवर्सिटी, सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी। नंबर ऑफ़ रिकॉग्नाइज PG कोर्सेज 3 मिले हैं, नंबर ऑफ़ रिकॉग्नाइज UG कोर्सेज 4 मिले हैं, यानी कि अगर आप चेक करना चाह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटी पे कौन कौन से कोर्स हैं, कि 7 नंबर हैं, और वो कोर्स क्या क्या हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से कोर्स हैं जो सुरेश ज्ञान विहार को मिले हैं। यहाँ पर है कि PG जो UG कोर्सेज है, UG कोर्सेज में इसको जो है BBA मिला है, BA मिला है, BCom मिला है, और BA, और इसको भी 5 साल तक का अप्रूवल है, यानी अगले 5 साल तक आप इस यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्स करते हैं तो वो अप्रूव माना जाएगा। और इसी तरह से MBA है, MCom है, और MA है। तो ये था, इस तरीके से अगर आप चेक करना चाहें कोई भी यूनिवर्सिटी हो जिसका आपको ये चेक करना हो कि किस यूनिवर्सिटी को कौन से कोर्स के लिए अप्रूवल मिला है, तो वो आप यहाँ पर इजीली चेक कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। और इसमें आपको क्वेरी भी नहीं करनी होगी कि इसका क्या देखना है क्या नहीं, सिर्फ आपको क्या करना होता है, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की जो ऑफिशियल वेबसाइट है DEB.UGC.AC.IN, उस पर आइए। उस पर आने के बाद आपको हाइस्ट पर जाना है, हाइस्ट पर जाकर स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जो भी आप चाहें वहाँ पर वो चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, और इसके अलावा अगर आप इसमें और भी कोई क्वेरी है आपकी, कि कोई इससे रिलेवेंट, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा।